हाय, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ICH गाइडलाइन के बारे में। ICH इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, जैसा आप इसके टाइटल से समझ सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग में जब इसको US, जापान और यूरोप के सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ मिलकर वहाँ के रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और वहाँ के जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थे उनको आपस में एक साथ लाना, उनके रिक्वायरमेंट, उनकी प्रॉब्लम्स को उसमें सॉल्व करना और पूरे ग्लोबली कैसे हम प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी को मेंटेन रख सकते हैं, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको बोलते हैं ICH। ठीक है, ICH ने अपने 4 कैटेगरीज में गाइडलाइंस बनाए हैं। उन 4 कैटेगरी के गाइडलाइंस में वो पूरे वर्ल्ड में सारे अलग अलग टॉपिक पे अपने गाइडलाइन इशू किए हैं। अब क्या होता है कि कंट्री वाइज जो भी कंट्री है उसके रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, वो जो उनके मेम्बर्स हैं उनको उस गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना होता है। जो भी कंट्री वाइज रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं वो अपने गाइडलाइंस में उनको इम्प्लीमेंट करती हैं और ICH को इन्फॉर्म करते हैं कि हमने आपके इस गाइडलाइन को अपने गाइडलाइंस में इम्प्लीमेंट कर लिया है। इस तरीके से कि एक कोई गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइन को मान लीजिए कि 10, 15, 20 कंट्रीज़ के रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अब उससे क्या होता है कि जब बहुत ब्रॉड डाटा हो जाता है, हर कंट्री एक तरह के गाइडलाइंस को जब इम्प्लीमेंट कर रही है, वहाँ पे अलग अलग प्रॉब्लम्स पता चलेंगे, वो प्रॉब्लम्स एक पॉइंट ऑफ व्यू पे जाके डिस्कस होगा, तो इससे बाकी कंट्रीज़ को भी फ़ायदा मिलेगा कि हाँ ये चीज़ आपकी कंट्री में हुआ है या फिर ये इंसिडेंट हुआ है, ये प्रॉब्लम आई है, तो वहाँ पर दूसरी जगह पर ना हो। हार्मोनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि कैसे अच्छे प्रैक्टिस को हर जगह पर इम्प्लीमेंट किया जाए और जो भी कुछ गलत हो रहा है उसको हम दूसरी जगह से सीख के उसको प्रिवेंट करें कि आगे वो सारी चीज़ें ना हों। तो ICH के जो गाइडलाइंस हैं वो 4 कैटेगरीज में इन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है, क्वालिटी गाइडलाइंस, सेफ्टी गाइडलाइंस, इफिकेसी गाइडलाइंस एंड कुछ गाइडलाइंस जो इन 3 कैटेगरीज में नहीं आते हैं उनको एक अलग कैटेगरी बनाया गया है, मल्टीडिसिप्लिनरी गाइडलाइंस की कैटेगरी, उसमें उनको रखा गया है। अब हम सीधे चलते हैं ICH की वेबसाइट पर और वहाँ पर हम जानते हैं कि कैसे इन सारे गाइडलाइंस के बारे में हम पढ़ सकते हैं, कैसे उनके PDF वहाँ पर हम देख सकते हैं, कैसे पूरा स्ट्रक्चर है। और आपको, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आप किसी भी सेगमेंट में हो, आप प्रोडक्शन में हो, QA में हो, QC में हो, R&D में हो, क्लिनिकल रिसर्च में हो, फार्माकोविजिलेंस में हो, आप किसी भी सेगमेंट में हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, आपको ये सारे गाइडलाइंस कभी ना कभी कहीं ना कहीं रिफ़र जरूर करने पड़ेंगे। और आप इसको जितनी जल्दी, जितनी अच्छे से समझते हैं उतना अच्छा आपका वर्क प्रोफाइल होगा, आपके लिए उतना अच्छा होगा सामने इंटरव्यूअर को या अपने सीनियर्स को या अपने प्रोजेक्ट में इसके इम्प्लीमेंट करना या फिर लोगों को गाइड करना। हर तरीके से आपके प्रोफाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो और इसमें समझने की कोशिश करो कि कैसे आप इन सारी चीज़ों को सही तरीके से अपने पास एक नोट्स बना के रख सकते हैं और आप रिफ़र कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो चलते हैं ICH के ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं वहाँ पर इन गाइडलाइंस के बारे में। सो क्वालिटी गाइडलाइंस, आप इनकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्वालिटी गाइडलाइंस, सेफ्टी गाइडलाइंस, इफिकेसी गाइडलाइंस, मल्टीडिसिप्लिनरी गाइडलाइंस के बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, राइट। अब हम अगर क्वालिटी गाइडलाइंस में चलें तो आप देख सकते हैं क्वालिटी गाइडलाइंस में अलग अलग मेंशन किया गया है। Q1A से स्टार्ट है ये और ये यहाँ से स्टेबिलिटी के बारे में, एनालिटिकल वैलिडेशन के बारे में, इम्प्योरिटीज़ के बारे में, फार्माकोपियाज़ के बारे में, क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, GMP के बारे में, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के बारे में, आप क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम के बारे में, डेवलपमेंट मैनुफैक्चर ऑफ ड्रग सब्सटेंस, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, कंटिन्यूस मैनुफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट एंड एनालिटिकल प्रोसीजर डेवलपमेंट। अब इतने सारे सब सेगमेंट में इन्होंने इनको मेंशन किया हुआ है। अब देखिए कि गाइडलाइंस इन्होंने इसमें कैसे मेंशन किया हुआ है। अब लाइक आप जाए स्टेबिलिटी में, आप स्टेबिलिटी फर्स्ट में जाए, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग प्रोडक्ट, ठीक है, आप वहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे आप कॉर्नर पे देखेंगे तो इनके गाइडलाइंस यहाँ पर PDF फॉर्म में है और उस गाइडलाइंस को जितने भी कंट्रीज़ ने इम्प्लीमेंट किया उन्होंने वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट दिया हुआ है, रिपोर्टिंग की हुई है कि वहाँ पर उन्होंने स्टेट पे इसको इम्प्लीमेंट किया है अपने गाइडलाइंस में। जितने भी गाइडलाइंस हैं सब में इस तरीके के आपको मेंशन मिलेंगे। आपको गाइडलाइंस के बारे में पढ़ना है, वो PDF है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, प्रिंट आउट लेके रखिए, तो आपको फ्यूचर में आप जब भी आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपने करियर अपना स्टार्ट कर दिया है तो आपको ये रिफ़र करना ही पड़ेगा। और जितनी जल्दी या जितनी सही से आप इन सारी चीज़ों को समझते हैं वो आपके वर्क प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो सारे सिस्टम इसमें दिए हुए हैं सेफ्टी गाइडलाइंस के बारे में। अब सेफ्टी गाइडलाइंस में हम जाएंगे तो सेफ्टी गाइडलाइंस मीन्स कि उस जो भी मेडिसिनल प्रोडक्ट है उसमें सारी चीज़ें स्टडीज़ करना, सारी चीज़ों को चेक करना कि उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो पेशेंट की सेफ्टी पर उसका कोई खतरा हो। तो इसलिए
कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज, जेनोटॉक्सिसिटी स्टडीज, टॉक्सिकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। अब देख सकते हैं कि ये सारे सेक्शन S1, S2, S3, S4, S5 सारे सेक्शन में इस तरह से यहाँ पर सारे मेंशन किए हुए हैं। आप यहाँ पर जाएंगे, पर्टिकुलर जो भी सेक्शन में डिटेल में आपको पढ़ना है, आप वहाँ पर गाइडलाइंस मेंशन है और वहाँ पर आप उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं। साथ साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे एनवीजा ब्राज़ील है, इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया 1 जनवरी 2013 में, तो ये सब मेंशन किया हुआ है प्रॉपर। और यहाँ से आपको ये पता रहेगा कि हाँ किस तरीके से पूरा सिस्टम ये चल रहा है, कैसे कैसे एक दूसरे से सारी चीज़ें लिंक हैं और कैसे ये प्रोग्राम हो रहा है। क्योंकि अंटिल अनलेस आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि ये भी गाइडलाइन है, ये भी गाइडलाइन है, क्या रिफ़र करना है, क्या नहीं करना है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि हाँ सेफ्टी रिलेटेड बहुत सारे गाइडलाइंस ICH ने दे रखे हैं। थर्ड, इफिकेसी गाइडलाइंस। आप यहाँ पर E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 ऐसे ही ऐसा गाइडलाइंस इसमें मेंशन किए हुए हैं। आप फार्माकोविजिलेंस के बारे में, क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट के बारे में, वर्ल्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में, आपको जिसके बारे में भी जानना है आप क्लिक करोगे, आपको वहाँ पर या तो वेब पेज मिलेगा या तो PDF मिलेगा, आप उसको पढ़ो, उसको समझो, उसके नोट्स बनाओ, ठीक। इफिकेसी गाइडलाइंस क्या करता है? इफिकेसी गाइडलाइंस का मतलब ये है कि कोई भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहा है, उस क्लिनिकल ट्रायल्स में उसका डिज़ाइन क्या है, किस तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी वहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं उसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, न्यू कैसे और अच्छे मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम और प्रोड्यूस कर सकते हैं, फार्माकोजेनेटिक्स, फार्माकोजिनोमिक्स के टेक्निक से और कैसे टारगेटेड मेडिसिन हम बना सकते हैं। तो ये इफिकेसी में मतलब मीन्स कि हम कितना बेहतर कर सकते हैं उस पर फोकस करना, वो सारे गाइडलाइंस इफिकेसी गाइडलाइंस में कवर होते हैं, राइट। एंड फोर्थ, मल्टीडिसिप्लिनरी गाइडलाइंस। मल्टीडिसिप्लिनरी गाइडलाइंस में वो सारे गाइडलाइंस आते हैं जो क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी के गाइडलाइंस में नहीं आते हैं, नहीं कवर होते हैं, उनको इस गाइडलाइंस में रख दिया गया है। अब लाइक हमें DRA टर्मोलॉजीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड क्या क्या हैं, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट क्या है, जीन थेरेपी क्या है, म्यूटोजेनिक इम्प्योरिटीज, लाइक इस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही हैं जो इस बाकी उस तीनों कैटेगरी से अलग है ना, कुछ और भी आ रहा है या फिर ICH को लगता है कि हमें इस पे भी गाइडलाइंस बनाना चाहिए, इस पे भी गाइडलाइंस बनाना चाहिए, तो उनके पास एक कैटेगरी है जहां पर वो मिसलेनियस हर तरीके के गाइडलाइंस को बना सकते हैं, आपको दे सकते हैं, और उस गाइडलाइंस को फिर जो भी कंट्री है उसके रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ वहाँ से उसको लेगी और अपने रेगुलेटरी गाइडलाइंस में उसको इम्प्लीमेंट करे, अपने क्लॉजेस में उसको इनकॉर्पोरेट करेगी, ठीक है। अब जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कौन, लाइक इंडिया का CDSCO है, US का USFDA है, साउथ अफ्रीका का MCEC है, ऑस्ट्रेलिया का TGA है, तो ये सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जो इम्प्लीमेंट करेंगी। आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन में हर एक कंट्री जहाँ पर अच्छा प्रोडक्शन है वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है, हर कंट्री का एक दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस है, इसलिए ICH को मैक्स टू मैक्स सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कहीं ना कहीं रिफ़र करती हैं, सारी कंपनियां कहीं ना कहीं इसके गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करती हैं, क्योंकि इससे उनका फ़ायदा होता है, अच्छी गाइडलाइंस मिलती हैं, अच्छी प्रैक्टिस होती है और उस प्रैक्टिस का फ़ायदा सबको मिलता है। तो ICH की गाइडलाइंस को वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो इनके मेंबर्स हैं या फिर जो मेंबर्स नहीं हैं, मैक्सिमम सब लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और रिफ़र करते हैं। इन सारे गाइडलाइंस के लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आप जाओ, आप किसी भी डिपार्टमेंट में अपना करियर स्टार्ट करने वाले हो या कर रहे हो, आपको ICH के गाइडलाइंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।